नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव मींस ग्रुप में होती है, काफ़ी सारे लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। और बार्गेनिंग का मतलब होता है जैसे कि हम मोल भाव करते हैं, कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार एक प्राइस बताता है और हम अपनी एक प्राइस बताते हैं, और फिर आपस में बार्गेन करके उसकी डिसाइड करते हैं कि क्या प्राइस होगी। इसी तरह से कलेक्टिव बार्गेनिंग नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, जो एम्प्लॉयर है मतलब कि जिसका ऑर्गेनाइजेशन है उसका मालिक, और एम्प्लॉय मीन्स जो उस ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्ति काम कर रहे हैं, उनके बीच में आपस में बार्गेनिंग होती है किसके लिए कि जैसे कि एम्प्लॉय हैं वो तो चाहते हैं कि ड्यूटी आवर्स उनके कम हों, सैलरी ज़्यादा हो, इस तरह के टॉप उनके पास इश्यूज़ होते हैं। और जबकि जो एम्प्लॉयर होता है मालिक, उसका होता है कि उसके जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में या क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो, तो वो आपस में बार्गेन करते हैं और कुछ चीज़ों पर वो डिसाइड करते हैं कि ये होना चाहिए, और फिर वो ही एग्रीमेंट उनके बीच में हो जाता है। तो यही कहलाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग का ये एक डायग्राम है। इसमें जैसे कि इस यहाँ पे लिखा हुआ है यूनियन क्लेम, जैसे कि नर्सिंग यूनियन है वो अपने क्या क्या मुद्दे लेके आती है, क्या क्या क्लेम लेके आती है। वो मैनेजमेंट प्रपोजल मींस मैनेजमेंट जो है वो क्या प्रपोजल देता है कि हम इस तरह से चीज़ों को करेंगे। उन दोनों के बीच में क्या होता है, नेगोशिएशन होता है, बातचीत होती है कि क्या प्रपोजल माने जाएं, क्या इश्यूज़ माने जाएं। उसके बाद आपस में क्या बनता है, कलेक्टिव एग्रीमेंट। आपस में वो एक एग्रीमेंट पे पहुंचते हैं, एक सहमति पे पहुंचते हैं कि हमें इस तरह से चीज़ें करनी है। इसमें कभी कभी थर्ड पार्टी रेफरल भी होता है, तीसरी पार्टी का भी रेफरेंस इसमें लिया जाता है। तो ये है पूरा कलेक्टिव बार्गेनिंग का डायग्राम। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग का अर्थ क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया है बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉई, जो मालिक है उसके बीच में और एम्प्लॉई जो उसके नीचे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके बीच में। टू रीच एन एग्रीमेंट, एक वो एग्रीमेंट पे पहुंचते हैं रिगार्डिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पीपल एट वर्क, जो व्यक्ति काम कर रहे हैं काम की जगह पे उनके राइट क्या हैं और उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं और उनके अधिकार क्या हैं, उससे रिलेटेड एक एग्रीमेंट पे वो पहुंचते हैं। इसको ये कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, और ये है अकॉर्डिंग टू ट्यूडबिक टेलर। ट्यूडबिक टेलर ने ये डेफिनेशन दी थी कलेक्टिव बार्गेनिंग की कि कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ एन एग्रीमेंट। ये क्या है, एग्रीमेंट है बिटवीन ए सिंगल एम्प्लॉयर या तो एक सिंगल मालिक है और एन एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स या फिर एक एसोसिएशन है एम्प्लॉयर्स की। ऑन द वन हैंड एक तरफ क्या है, एक मालिक है या एसोसिएशन है एम्प्लॉयर्स की एंड लेबर यूनियन ऑन द अदर, और दूसरी तरफ क्या है, लेबर यूनियन है जो कर्मचारी हैं उनकी यूनियन है, विच रेगुलेट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि टर्म एंड कंडीशन निर्धारित करते हैं, रेगुलेट करते हैं किसकी, रोजगार की, कि टर्म और कंडीशन किस क्या क्या होंगी, कितने ड्यूटी आवर्स होंगे, क्या सैलरी होगी, क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगी। तो ये हो गया कलेक्टिव बार्गेनिंग की डेफिनेशन। नेक्स्ट है एम ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग का उद्देश्य क्या होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग एम्स टू रीच ए कलेक्टिव एग्रीमेंट विच यूजुअली सेट आउट इश्यूज़ सच एस एम्प्लॉय पे, एम्प्लॉय की पे क्या होगी, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, ट्रेनिंग किस तरह से होगी, हेल्थ पे क्या ध्यान दिया जाएगा एंड सेफ्टी पे क्या ध्यान दिया जाएगा, एंड राइट्स टू पार्टिसिपेट इन वर्क प्लेस और कंपनी अफेयर्स, और क्या राइट होंगे वर्क प्लेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये एम होते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग।
ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वर्कर्स। ये क्या करता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग वर्कर के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू वॉइस देयर प्रॉब्लम, कि वो अपनी प्रॉब्लम को उठाएं कि उनकी क्या समस्या है। ऑन इश्यूज़ रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, वो इश्यूज़ जो कि उनके एम्प्लॉयमेंट से या रोज़गार से संबंधित हैं, तो उससे संबंधित वो अपनी प्रॉब्लम्स को उठाएं। सेकंड है टू फैसिलिटेट रीचिंग ए सॉल्यूशन दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व्स, और एक सॉल्यूशन पे पहुंचना जो कि पार्टी जो भी इन्वॉल्व हैं सभी के लिए वो एक्सेप्टेबल हो, सभी उससे सहमत हो उस सॉल्यूशन पे पहुंचना। नेक्स्ट है टू रिजॉल्व ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स इन ए म्यूचुअली एग्रीएबल मैनर, सारे जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको रिजॉल्व करना, उनको हल करना, सारे जो डिस्प्यूट हैं उनको हल करना इन ए म्यूचुअली एग्रीएबल मैनर, आपस में सहमति के तरीके से। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट एनी कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट्स इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट नहीं हो उसको रोकना थ्रू म्यूचुअली साइन कॉन्ट्रैक्ट, एक आपस में एक साइन करें कॉन्ट्रैक्ट जिससे कि फ्यूचर में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट नहीं हो। टू डेवलप ए कंडक्टिव एटमॉस्फेयर टू फोस्टर गुड ऑर्गेनाइजेशन रिलेशन, ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन रिलेशंस अच्छे हों और ऑर्गेनाइजेशन और ज़्यादा डेवलप हो। नेक्स्ट पॉइंट है टू एनहेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाई प्रिवेंटिंग स्ट्राइक्स लॉक आउट एट्सेट्रा, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना किसके द्वारा, जिससे कि स्ट्राइक्स वगैरह नहीं हो और एम्प्लॉय जो हों वो संतुष्ट हों। नेक्स्ट पॉइंट है टू एंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडस्ट्री, और पार्टिसिपेशन हो ट्रेड यूनियन का इंडस्ट्री में, तो ये मेनली इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग से। इसके द्वारा जो एम्प्लॉय होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम को रखते हैं सामने, एक सॉल्यूशन पे पहुंचा जाता है और ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जाता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन रिलेशंस अच्छे हों, प्रोडक्टिविटी बढ़े ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। इट इज़ ए ग्रुप प्रोसेस, एक तो ग्रुप प्रोसेस होती है ये और इसमें कलेक्टिव एक्शन लिया जाता है। सेकंड है स्ट्रेंथ होती है इसमें। थर्ड है कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक बार में यदि बात नहीं बनी तो दोबारा एक मीटिंग रखते हैं, तो इस तरह से कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। फ्लेक्सिबल है, इसमें कोई रिजिडिटी नहीं होती, फ्लेक्सिबल होता है, वॉलंटरी होता है, डायनेमिक होता है, पावर रिलेशंस होते हैं इसमें, बाईपार्टाइट प्रोसेस, नो थर्ड पार्टी, अधिकतर तो इसमें थर्ड पार्टी नहीं होती है, बाईपार्टाइट प्रोसेस होता है, दो पार्टीज होती हैं, टू पार्ट प्रोसेस फॉर्मल होता है ये, रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें, नेगोशिएशन होता है इसमें, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस होती है, वॉलेंट्री एंड इम्प्रूवमेंट रिलेशंस इम्प्रूवमेंट होते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है स्टेप या प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, क्या क्या स्टेप होती हैं, क्या प्रोसेस होती है कलेक्टिव बार्गेनिंग की। पहली होती है प्रिपेयर, तैयारी करना, कंपोजिशन ऑफ ए नेगोशिएशन टीम, एक नेगोशिएशन टीम बनाना कि उस टीम में कौन कौन होंगे, एम्प्लॉयर होंगे, एम्प्लॉय होंगे, तो ये प्रिपरेशन होती है। सेकेंड स्टेप क्या आता है, डिस्कस करना, डिसाइड ग्राउंड रूल्स, ग्राउंड रूल्स जो हैं बेसिक रूल जो हैं वो डिसाइड होते हैं कि किन चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है डिस्कशन होता है इसमें, नेक्स्ट है प्रपोज, डिस्कशन के बाद में प्रपोजल होता है कि क्या क्या चीज़ें हमें रखते हैं, कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, इनिशियल ओपनिंग स्टेटमेंट एंड पॉसिबल ऑप्शन, ये क्या होता है, इनिशियल ओपनिंग स्टेटमेंट होता है और उसमें पॉसिबल ऑप्शन होते हैं कि इस तरह से भी हम कर सकते हैं किसी चीज़ को या फिर दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बारगेन, फिर जो इन्होंने प्रपोजल दिया है उस पर ऊपर बारगेन होता है
कि जैसे एम्प्लॉई बोलता है कि हमारी सैलरी आप बढ़ा दो 2500 से जैसे 3000 कर दो, तो वो एम्प्लॉयर जो होता है मालिक वो बोलता है कि नहीं हम 3000 तो नहीं कर सकते, हम 2700 कर सकते हैं। तो इस तरह से आपस में बार्गेन होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होता है इसमें। नेक्स्ट स्टेप आता है सेटलमेंट। यहाँ पर क्या होता है, एक कंसेंशुअल एग्रीमेंट बन जाता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों एग्री हो जाते हैं कि ये चीज़ हम इतनी हम सैलरी रख लेते हैं या इतने हम वर्किंग आवर्स रख लेते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मलाइजेशन फेज। यहाँ पर फॉर्मलाइजेशन हो जाता है कि इतने आवर्स फिक्स किए गए हैं या फिर इतनी सैलरी फिक्स की गई है। और नेक्स्ट फेज जो होती है, नेक्स्ट स्टेप होती है एनफोर्समेंट फेज, मतलब कि यहाँ पर वो नियम लागू हो जाता है जो कि आपस की सहमति से बना है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की। तो इस तरह से ये स्टेज हो गई, प्रिपेयर, डिस्कस करना, प्रपोज करना, फिर बार्गेन करना, फिर सेटलमेंट होता है, फिर फॉर्मलाइजेशन फेज होती है और फिर एनफोर्समेंट फेज होती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, कौन कौन सी टाइप की होती है ये। तो अकॉर्डिंग टू फॉसोन जे ए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। फॉसोन जे ए ने जो कलेक्टिव बार्गेनिंग की टाइप बताई हैं वो 4 हैं मेनली। ये हैं इंटेग्रेटिव बार्गेनिंग, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग एंड कंपोजिट बार्गेनिंग। अब जो इंटेग्रेटिव बार्गेनिंग होता है उसमें क्या होता है, बोथ पार्टीज गेन देयर बेनिफिट और नन गेन्स, या तो दोनों पार्टीज बेनिफिट मिलेगा दोनों पार्टीज को या फिर किसी को भी नहीं मिलेगा। तो ये हो गया इंटेग्रेटिव। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, इसमें क्या होता है, या तो एम्प्लॉयर को बेनिफिट मिलता है या फिर एम्प्लॉय को। जैसे कि एम्प्लॉयर ने बोला कि आपके वर्किंग आवर्स बढ़ाने हैं तो वो जीत जाएगा इसमें, और यदि एम्प्लॉय की तरफ की बात की जाए तो जैसे कि उसकी सैलरी बढ़ गई तो वो जीत गए, एक एक कोई टीम जीत जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग, इसमें क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे जोर होता है, एम्प्लॉयर की साइड होता है। और कंपोजिट बार्गेनिंग में एम्प्लॉय की साइड में इसमें बेनिफिट होता है कंपोजिट बार्गेनिंग में। तो ये 4 टाइप हो गए, इंटेग्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, प्रोडक्टिविटी एंड कंपोजिटिव। तो ये तो दी हैं फॉसोन जे ए ने। नेक्स्ट है अदर टाइप में, और यदि टाइप देखी जाए तो एटीट्यूडनल बार्गेनिंग और इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग, ये 2 बार्गेनिंग के टाइप और हैं एक्स्ट्रा। अब है कलेक्टिव बार्गेनिंग मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें रजिस्टर्ड नर्स, फिजिशियन होते हैं इसमें, अदर प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, टेक्निकल एम्प्लॉयज हो सकते हैं और नॉन प्रोफेशनल्स भी इसमें मेंबर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है एसेंशियल ऑफ सक्सेसफुल कलेक्टिव बार्गेनिंग, क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं, आवश्यक होती हैं सक्सेसफुल कलेक्टिव बार्गेनिंग में। ये है, फर्स्ट है फेवरेबल पॉलिटिकल क्लाइमेट, ऐसा क्लाइमेट होना चाहिए जो कि फेवरेबल हो। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल यूनियंस, जो भी यूनियन है वो स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिकग्निशन, रिकग्निशन होनी चाहिए यूनियंस की। विलिंगनेस टू गिव एंड टेक, विलिंगनेस होना चाहिए गिव देने के लिए और लेने के लिए, विलिंगनेस। नेगोशिएटर्स अथॉरिटी, नेगोशिएटर्स के पास अथॉरिटी होनी चाहिए। फेयर प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रादर देन ए फाइटिंग अप्रोच, एक पॉजिटिव एटीट्यूड्स होना चाहिए जो भी नेगोशिएटर्स हैं उनके बीच में, फाइटिंग अप्रोच नहीं होनी चाहिए। तो ये एसेंशियल हैं ऑफ सक्सेसफुल कलेक्टिव बार्गेनिंग के। नेक्स्ट है कलेक्टिव बार्गेनिंग इश्यूज़, क्या क्या इश्यूज़ होते हैं। तो ये होते हैं एम्प्लॉय पे, एम्प्लॉय की पे क्या है, वर्किंग आवर्स क्या हैं, ट्रेनिंग क्या क्या होनी है, हेल्थ एंड सेफ्टी एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन वर्क प्लेस और अफेयर्स, क्या राइट हैं पार्टिसिपेट करने के वर्क प्लेस में। तो ये इश्यूज़ हैं एम्प्लॉय पे, वर्किंग आवर्स, ट्रेनिंग, हेल्थ एंड सेफ्टी एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन वर्क प्लेस। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन, बहुत ज़्यादा यूनियन है यदि तो प्रॉब्लम हो सकती है।
डोमिनेटेड बाय पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिशियन है उसका उसमें हस्तक्षेप हो, वो उसमें डोमिनेट करे यदि, तो वो दोनों पार्टीज अपने वो अपने एग्रीमेंट या जो भी नेगोशिएशन है वो प्रॉपरली कर नहीं पाएंगे। लैक ऑफ डेफिनेट प्रोसीजर, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर का अभाव कि क्या प्रोसीजर हमें अपनाना है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इजी एक्सेस टू एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन का इजी एक्सेस हो। वेरी क्लोज एसोसिएशन बिटवीन द ट्रेड यूनियन एंड पॉलिटिकल पार्टीज, और जो ट्रेड यूनियन है और पॉलिटिकल पार्टीज में ज़्यादा क्लोज एसोसिएशन हो तो भी जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है उसमें प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, क्या महत्व होता है। तो एम्प्लॉय हैज़ द फ्रीडम टू एक्सरसाइज हिज और हर राइट, एम्प्लॉय अपनी जो फ्रीडम है, जो उसके राइट हैं, उनकी जो फ्रीडम है उसको प्रॉपरली कर सकता है। एंड इन गुड रिलेशनशिप एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन वर्कर और मैनेजमेंट, जो एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयर है उनके बीच में गुड रिलेशनशिप बन जाते हैं इसमें। एडजस्टमेंट ऑफ वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, एडजस्टमेंट हो जाता है वेजेस, क्या सैलरी है और क्या एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस है उसमें एडजस्टमेंट हो जाता है। एस्टैब्लिशमेंट कोड दैट डिफाइंस द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ईच पार्टी, एक ऐसा एस्टैब्लिशमेंट कोड हो जाता है जिससे कि जो हर पार्टी है, जैसे कि एम्प्लॉयर है एम्प्लॉई है, उनके राइट और ऑब्लिगेशन निर्धारित हो जाते हैं कि ये तो इनके राइट हैं मालिक के और ये हैं कर्मचारी के राइट। प्रोवाइड ए सॉल्यूशन, और इससे एक सॉल्यूशन मिल जाता है। सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ लेबर मैनेजमेंट, लेबर मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट सामने आता है इससे, तो ये इसके इम्पोर्टेंस हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग इन नर्सिंग, नर्सिंग में क्या इम्पोर्टेंस है कलेक्टिव बार्गेनिंग की, तो इसमें है सेफ नर्सिंग स्टाफिंग, स्टाफिंग जो होती है उसको सेफ नर्सिंग होती है, सेफ नर्सिंग स्टाफिंग होती है वो, सेफ पेशेंट हैंडलिंग, पेशेंट हैंडलिंग भी सुरक्षित तरीके से होती है इसमें। एडवर्स इवेंट प्रिवेंशन, और कोई भी एडवर्स सिचुएशन से उनको रोक दिया जाता है, उनका प्रिवेंशन हो जाता है। मेंटेनेंस ऑफ ए सेफ एनवायरनमेंट फॉर पेशेंट केयर, और एक सेफ एनवायरनमेंट बनता है जिससे कि पेशेंट केयर प्रॉपरली हो सके। प्रोसेस दैट इज़ टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिव फॉर ऑल पार्टीज वाइल प्रोटेक्टिंग पेशेंट्स एंड नर्सेस, टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिव होती है ये प्रोसेस, और इनसे पेशेंट और नर्सेस दोनों को ही प्रोटेक्शन मिलती है, तो ये होता है इम्पोर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग इन नर्सिंग। नेक्स्ट है द नर्स मैनेजर रोल इन कलेक्टिव बार्गेनिंग में, नर्स मैनेजर का क्या रोल है। तो फर्स्ट है नो द लॉ एंड मेक श्योर राइट्स ऑफ द नर्सेस एज वेल एज मैनेजमेंट आर क्लियरली अंडरस्टूड, लॉज के बारे में पता होना चाहिए और जो मैनेजमेंट के राइट हैं और जो नर्सेस के राइट हैं उनके बारे में पता होना चाहिए प्रॉपरली। फाइंड आउट द रीजंस द नर्सेस वांट कलेक्टिव एक्शन, क्या कारण है जिससे कि नर्सेस को कलेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो कारण का पता होना चाहिए। डिस्कस एंड डील विद द नर्सेस एंड द प्रॉब्लम्स डायरेक्टली एंड इफेक्टिवली, जो नर्स मैनेजर है उसको डिस्कस करना चाहिए नर्सेस के साथ प्रॉब्लम को कि भाई क्या प्रॉब्लम है आपकी, उनसे डायरेक्ट पूछ करके, और उसको फिर इफ़ेक्टिवली डील करना चाहिए। एक्ट क्लियरली विद इन द लॉज ऑफ ऑल, एक्ट क्लियरली विद इन द लॉज एट ऑल टाइम, इफ़ ए मैनेजर एक्ट अनलॉफुली रिपोर्ट द एम्प्लॉयर्स एक्शन टू द नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड, लॉफुली काम करना चाहिए, यदि वो अनलॉफुली कर रहा है तो उसको रिपोर्ट करना चाहिए। कीप ऑल नर्सेस इन्फॉर्म थ्रू रेगुलर मीटिंग हेल्ड क्लोज टू द हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन, सभी नर्सेस को इन्फॉर्म करना चाहिए रेगुलरली, रेगुलर मीटिंग करके टाइम टू टाइम पे। रिजॉल्विंग ग्रीवेंसेस, जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनको रिजॉल्व करना चाहिए। ए कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट कैन नॉट मेक द डिसीजन टू स्ट्राइक, स्ट्राइक का डिसीजन वो नहीं कर सकता है। द डिसीजन टू स्ट्राइक कैन बी मेड ओनली बाय ए मेजोरिटी ऑफ यूनियन मेंबर्स,
जो मेजॉरिटी है यूनियन मेंबर्स की, वो लेते हैं स्ट्राइक का डिसीज़न, केवल एक एजेंट इसका डिसीज़न नहीं लेता है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, क्या क्या एडवांटेज हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट टू गाइड स्टैंडर्ड्स, इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है स्टैंडर्ड्स को गाइड करने के लिए। पार्टिसिपेशन इन डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस, डिसीज़न मेकिंग में पार्टिसिपेशन होता है। ऑल यूनियन मेंबर्स एंड मैनेजमेंट मस्ट कन्फर्म टू टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एक्सेप्शन। जो भी यूनियन मेंबर्स हैं और मैनेजमेंट हैं, वो टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उनके दिमाग में कन्फर्म होता है कि ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है। प्रोसेस एग्जिट टू क्वेश्चन मैनेजर्स अथॉरिटी इफ़ मेंबर फील समथिंग हैज़ डन अनजस्टली, यदि कुछ गलत हुआ है तो मैनेजर्स की अथॉरिटी पे क्वेश्चन किया जा सकता है। अब नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये क्या क्या है। फर्स्ट है रिड्यूस इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी इसमें रिड्यूस हो जाती है, उसकी कमी आ जाती है, इंडिविजुअल का कोई पर्टिकुलर रोल नहीं होता। अदर यूनियन मेंबर में आउटवोट वंस डिसीज़न, और जो दूसरे यूनियन मेंबर हैं वो किसी एक के डिसीज़न को आउटवोट कर सकते हैं। डिस्प्यूट आर नॉट हैंडल्ड विद इंडिविजुअल एंड मैनेजमेंट ओनली, केवल इंडिविजुअल या मैनेजमेंट के द्वारा ही डिस्प्यूट को हैंडल नहीं किया जाता है। लेस रूम फॉर प्रोफेशनल जजमेंट, और प्रोफेशनल जजमेंट के लिए कम इसमें जगह होती है। मस्ट पे यूनियन ड्यूज इवन इफ़ वन डज नॉट सपोर्ट यूनियनाइजेशन, जो भी यूनियन ड्यूज हैं उन पे ध्यान दिया जाता है, जबकि कोई नहीं चाहता कि वो यूनियन में रहे, फिर भी उसको ध्यान देना होता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। आज का हमारा टॉपिक था कलेक्टिव बार्गेनिंग इन नर्सिंग मैनेजमेंट, और इसमें हमने मेनली पढ़ा कि कलेक्टिव बार्गेनिंग जो होती है वो एक सामूहिक बार्गेन होता है, एम्प्लॉयर जो मालिक होता है और एम्प्लॉय जो उसके कर्मचारी होते हैं उसके बीच में, दोनों की अपनी अपनी कंडीशंस होती है और वो आपस में उस कंडीशन को लेके एक एग्रीमेंट पर पहुंचते हैं और उसको फिर फॉलो करते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।